Today we have with us an aspirant who hails from Imamganj, a town that does not have proper schooling in 40 kilometers radius. But that did not deter him in his pursuit of his dream to crack the CAT. We have with us Avinash, who went on to score 99.48. Avinash, apne baare mein kuch bataiye. Hello sir, main Imamganj se hu. Imamganj district headquarter jo hamara gaya hai usse 70-80 kilometer dur hai. मेरे गांव के आसपास में 40-50 किलोमीटर दूर तक कोई भी CBSE स्कूल नहीं है. CBSE एफिलेटेड स्कूल्स हैं जो 50 रुपये 100 रुपये लेके बच्चों को पढ़ाते हैं. मेरी फिफ्थ क्लास तक जो टीचिंग रही है, जो एजुकेशन है मेरा फिफ्थ क्लास तक, वो हिंदी मीडियम से रहा है. मैं इनिशियली प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, बट सिंस मैं स्कूल से भाग जाता था बार बार, मेरे पिताजी ने मेरे को एक प्राइवेट स्कूल में डाला. वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. बिहार में क्या है, मैथ्स पे फोकस सबका रहता है. आप मैथ्स में अच्छा करें मतलब आप ब्रिलियंट हैं, नहीं कर रहे हैं देन यू आर नथिंग. तो मैं मैथ्स में अच्छा कर रहा था, तो मेरे टीचर ने सजेस्ट किया कि इसको आप हॉस्टल में डाल दीजिए. तो गया मैं, एक हॉस्टल था, मेरे पिताजी ने मेरा वहाँ पर एडमिशन करा दिया. 3-4 साल तक वहाँ पर पढ़ा, अच्छा भी कर रहा था, आई यूज़ टू टॉप इन दैट स्कूल. बट मेरा एक भाई था, बड़ा भाई, जो मेरे साथ पढ़ता था, एंड वो लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो मेरे पापा ने उसको विड्रॉ कर लिया उस स्कूल से, और मैं अकेला पड़ गया. एंड देन आई हैड सम बैड कंपनी, तो हम लोग भाग गए साथ में स्कूल से. तो पिताजी ने पहले तो मारा, फिर वापस भेज दिया, दोबारा भाग गया मैं. तो पिताजी भी समझ गए कि औलाद तो उनका ही. उन्होंने बोला कि तेरे को क्या करना है तू बता दे. देन आई टोल्ड हिम कि आई वॉन्ट टू स्टे एट होम. हॉस्टल का खाना खा के मैं थक चुका हूँ, आई कैन नॉट स्टडी एनी मोर इन हॉस्टल्स. तो वहीं पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, MS मोरियल अकेडमी. मैंने वहाँ से अपना फिफ्थ क्लास किया. बट वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था एंड आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो मैं उनका बुक भी समझ पाता था. हेंस सिंस ये वर्ड्स भी मुझे नहीं आते थे, तो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी. फिर मैंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, उसी मेन टाइम पे मेरे एक टीचर थे बिरबल सर, ही टुक मी इन कमांड, और उन्होंने मेरे को प्रिपेयर करवाया. आई अप्लाइड फॉर सैनिक स्कूल. काफ़ी रिपीटेड एग्जाम है बिहार में, 6-7 हज़ार बच्चे देते हैं, उसमें से 50-60 लोगों का सिलेक्शन होता है. आई गॉट सेलेक्टेड बाई गॉड्स ग्रेस. फिर मैं सैनिक स्कूल में गया, वहाँ अगेन इंग्लिश मीडियम का था, बट देयर डिसिप्लिन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू हैव टू कम्युनिकेट ओनली इन इंग्लिश. तो उस डिसिप्लिन के कारण रोज़ पेपर पढ़ना उस स्कूल ने, फिर धीरे धीरे फ्रॉम देयर आई पिक्ड अप माय इंग्लिश लैंग्वेज और अच्छा कोप अप किया. बट वहाँ पे जो मेन फोकस रहता है, इट इज़ NDA. माय फादर नेवर वांटेड मी टू डू NDA बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस. तो फिर मैं 10th से विड्रॉ कर लिया. एंड IITs आज भी बहुत बड़ी चीज़ है, उस टाइम भी बहुत बड़ी चीज़ थी. मेरे पिताजी चाहते थे कि वाई डोंट यू डू इंजीनियरिंग, वहाँ पे कुछ अच्छा करना, करोड़ों का पैकेज आप लोग न्यूज़ में देखते ही होंगे. तो आई वांटेड टू क्रैक दैट. मैं बंसल गया, इन बंसल आई वाज इन P2 बैच, सेकंड बेस्ट बैच होती है वहाँ पे, 25-30 बैच होते हैं बंसल में. आई वाज डूइंग रियली गुड एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट 1000-1500 रैंक तो आ ही जाएगी, इससे बुरी नहीं आएगी. बट जो भी हुआ, एडवांस में कुछ मार्क्स के लिए रह गया मैं, और मेंस में जो मेरी रैंक थी 18,000 थी. मेरे फैमिली में मैं पहला हूँ जो इंजीनियरिंग एंड ये सब कर रहा हूँ. वी आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, ऐसा नहीं कि वी आर वेरी पुअर और समथिंग. वी हैव मनी बट कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वी हैव प्रॉपर्टी. तो मैंने फॉर्म जब भरा, मेरे पास कोई गाइड लेने के लिए भी नहीं था, एंड मैं थोड़ा सा उस मामले में इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किसी के पास जाता नहीं हूँ कि मेरे को बता दो क्या करना नहीं करना, आई डिड नॉट डू इट. तो मैंने फॉर्म में सिर्फ 4-5 CS के जो टॉप NITs हुआ करते, उस टाइम वही था कि CS है मतलब पैसा है. मैंने CS का भरा, कहीं से कॉल नहीं आए. देहरादून पेट्रोलियम का मैंने लास्ट डे में, जब उनका लास्ट डे होता है फॉर्म का, उस दिन भरा था, कॉल आ गया. शिमला में अपने फैमिली के साथ था ट्रिप पे, एंड मैंने तब तक डिसाइड नहीं किया था क्या करना है. जब कॉल आया उनके काउंसलिंग के लिए, आई टोल्ड माय फादर कि पापा DD देनी है 1.5 लाख रुपये की, जो उनकी DD थी. इट वॉज़ फ्राइडे आई गेस, और सैटरडे या संडे को कुछ ऑड वर्किंग आवर्स थे. पापा ने दिल्ली में किसी को फ़ोन लगाया, DD का इंतजाम हुआ. मेरी फैमिली, हम लोग भाई कार गए थे सारे, तो फैमिली वापस आ गई, मैं दिल्ली रुक गया, काउंसलिंग दी. ब्रांच लेने की बात आई तो मैंने देखा कौन सा फील हो गया है, तो अपस्ट्रीम फील हो गया था, गैस फील हो गया था, केमिकल बच रहा था, वेटिंग में था. तो मैं लगा यार अच्छा ब्रांच होगा तभी इतना जल्दी हुआ है, फील हुआ है, चलो केमिकल ले लेते हैं. तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ली, ऐसा कोई शौक नहीं था. केमिस्ट्री तो मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, ऑल्दो केमिकल इंजीनियरिंग कहीं पर केमिस्ट्री पढ़ना नहीं है. फिर मैं देहरादून पेट्रोलियम में गया, और वहाँ से जो बेस्ट कंपनी हमारे आती है दैट इज़ रिलायंस, जो 6-7 बच्चों को लेके जाती है. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो इन रिलायंस.
बट पहली बार जब रिलायंस आई उनका इतना टफ इंटरव्यू था, क्रैकर का कोई हेड आए थे रिलायंस के, उन्होंने ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछे, नोबडी कुड आंसर एंड नोबडी वाज सिलेक्टेड. आई वाज वेरी डिसहार्टेंड बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. फिर मैंने कैट दिया बिकॉज आई थॉट कि चलो यार ये नहीं तो फिर एमबीए कर लेते हैं बिकॉज आजकल तो जनरल ट्रेंड है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक माई एक्यूमेंट की क्या पता बिना कुछ के ही हो जाए. मैंने दिया, आई गॉट गुड परसेंटाइल बट नॉट वेरी गुड, 92 आया तो लगा कि हाँ कुछ तो हो ही जाएगा. फिर एक दो एक ऑफर और था PCBL का, फ्लिपकॉर्न ब्लैक लिमिटेड करके एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का जॉब था, बट उन्होंने PPO ऑफर किया था बट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया था सो आई डिड नॉट ज्वाइन इट. फिर रिलायंस वापस आई सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल के लिए. फिर मैंने रिलायंस ज्वाइन किया और कैट देने का सोचा बिकॉज इट मेड सेंस सिंस आई वॉज इन सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब. राइट, तो यू नो आप इमामगंज से आए हैं एंड जैसी आपकी कंपनी थी आप बता रहे थे बहुत आसान था भटकना आपके लिए, है ना, लेकिन यू कार्व्ड आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाथ फॉर योरसेल्फ, राइट. व्हाट वाज द मोटिवेशन आपके लिए, क्या मोटिवेशन था कैट की पूरी जर्नी करना और ये 99.48 का स्कोर लाना, व्हाट पूरे प्रिपरेशन के टाइम पर आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे? देखिए द सोल मोटिवेशन इन माई इंटायर जर्नी वॉज माई फादर. ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड ही हैज स्टिल स्टूड फॉर द फैमिली. आज जो भी हूँ उनके कारण ही हूँ. मैं सोचा कैट करना है बट आई डिड नॉट नो फॉरवर्ड पाथ क्या है कैसे, प्लस मेरा जॉब काफ़ी हेक्टिक था, टाइम मिलना बहुत मुश्किल था, मैं कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकता था. तो एक मेरे फ्रेंड हैं आईक्वांटा में, वो हमारे सीनियर हैं एक्चुअली, वो आईक्वांटा में पढ़ रहे थे तो उनसे बात हो रही थी, ही टोल्ड मी आप आईक्वांटा ज्वाइन कर लो. फिर फॉर्चुनेटली उसके दो दिन बाद क्या हुआ, मैं एक वीडियो देख रहा था, जतिन सिंगला जी हैं हमारे सीनियर थे वो भी, उनका मैंने आईक्वांटा का इंटरव्यू देखा, देन आई रियलाइज ओके इट मेक्स सेंस. तो फिर मैंने आईक्वांटा ज्वाइन किया और फिर आईक्वांटा से आगे के प्रिपरेशन किया. तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, हाउ डिड यू टैकल ईच ऑफ दी सेक्शंस एंड यू नो व्हेन यू अटेम्प्टेड मॉक्स, आपको पता था कि एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन टाइम इन टर्म्स ऑफ ईच सेक्शन and in terms of mock and analysis as well? See, my sole strategy was consistency. I used to give 2 hours every day. No matter what the situation was, however bad the day was, I used to ensure that I at least attend the iQuanta classes. 10 to 12 in ki classes hoti hain. To mera sole strategy tha, kuch bhi ho jaye, wo class miss nahi karna hai. Aur agar miss ho jaye, let's say Friday ko class thi, miss ho gayi, party thi. सैटरडे को मॉर्निंग उठते ही आई यूज़ टू इंश्योर कि वो क्लास तो मैं कर लूँ. आई नेवर मिस्ड अ क्लास, ऑल दो बीच में देर वॉज अ सेट बैक, थोड़ा सा एक डेढ़ महीने के लिए मैं ऑफ रोड चला गया था, आई कुड नॉट प्रिपेयर, बट देन अगेन मैं वापस आया और उन क्लासेस को वापस रिवाइज किया, बेसिक्स क्लियर किए, मॉक्स दिया, मैंने लगभग 20 मॉक्स दिए थे और सेक्शनल्स भी दिए थे, 10-15 सेक्शनल्स दिए थे. सेक्शनल्स मैं तब देता था जब मेरा मॉक में कंसिस्टेंटली किसी एक सेक्शन में कम मार्क्स आते थे, देन आई यूज टू मेक श्योर दैट नो नाउ आई हैव टू गिव सेक्शनल्स टू एनालाइज व्हाट एम आई डूइंग. मॉक और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैट के लिए, बट मेरे साथ टाइम की इतनी कमी थी कि आई कुड नॉट डू बोथ, सो आई यूज टू अपेयर इन अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड देन एनालाइज 4 or 5 मॉक्स एट अ टाइम क्विकली बिकॉज टाइम वॉज नॉट अ लग्जरी आई हैड. वो एनालाइज करते हुए फिर मैं आगे बढ़ता था. एक दिन तो ऐसा हुआ था मेरे 4 मार्क्स लगातार खराब चले गए, इंग्लिश में 35 मार्क्स आए बस, ऑल दो माई इंग्लिश वॉज प्रीटी गुड, आई यूज टू गेट अराउंड 60 मार्क्स. तो मैंने उस दिन ही 4 सेक्शनल दिए, 2 सेक्शनल में 35-40 ऐसे मार्क्स हैं और नेक्स्ट 2 सेक्शनल्स में 70-70 आए, देन वॉज हैप्पी नो नाउ आई एम एट राइट ट्रैक. तो मैं उस मामले में थोड़ा सा जिद्दी भी हूँ, एक बार सोच लिया है करना है तो करके ही रहता हूँ. आपने बोला था कि यू नो आपका प्रिपरेशन के टाइम पर 1.5 महीने का सेटबैक हो गया, तो हाउ डिड यू कैप्चर दैट लॉस्ट टाइम, आपने कोप अप कैसे किया? सी टाइम वंस गॉन इज गॉन बट आई क्वांटा लेक्चर्स रिमेन, दे स्टिल रिमेन लाइव ऑन योर फेसबुक पेज, इवेंट के फॉर्म में वो रहते हैं. सो आई रियली हैड गिवन अप द होप दैट नाउ इट्स नॉट गोना हैपन, बट फिर बहुत हिम्मत जुटा के एक मॉक दिया, डिसेंट मार्क्स आए, बहुत अच्छे नहीं आए, आई गॉट अराउंड 120 मार्क्स और समथिंग. आई फेल्ट नहीं यार अभी इतना पीछे नहीं गए, बाकी दोस्त लोग थे जो आईक्वांटा में थे हुम आई न्यू, दे वर ऑल्सो डूइंग समवट अबव मी 1.5 महीने में, दे हैड स्टडीड मोर देन मी. तो मेरे बाद देर इज स्टिल टाइम, 2-3 महीने अभी बचे, आई कैन डू इट.
तो मैंने मॉक्स दिया, फिर जितने क्लासेस मिस हुए थे मैंने वो सारे क्लासेस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बेसिक्स क्लियर किया, फिर सारे बेसिक्स क्लियर करने के बाद आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स अगेन, एंड इन लास्ट 1.5 मंथ आई हैव स्टडीड लाइक हेल, 5 घंटे 6 घंटे रात को 2 बजे तक सैटरडे संडे लगा रहता था, लास्ट के 1.5 मंथ आई हैव स्टडीड अ लॉट, उसमें मैंने मॉक्स एनालिसिस इवन इनफैक्ट मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी बस जॉब में कैट के लिए, वो लास्ट डे था कैट के जस्ट एक दिन पहले, आई मीन फ्राइडे जो वो होता है, आई थॉट चलो लास्ट रेस भी खेली लेते हैं, एंड बिलीव मी उस दिन से 3 क्वेश्चन आ गए वो पढ़ के गया था, 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे एंड आई डिड इट। ग्रेट, आपने काफ़ी लंबा समय तय किया है ना इमामगंज से लेकर 99.48 का, वॉट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट हर्डल दैट यू हैड टू ओवरकम? सी द बिगेस्ट हर्डल वॉज, देखो हर फैमिली में देर इज समवन यू लुक अप टू, आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, मेरे फैमिली माई फादर इज देयर, आई लुक अप टू हिम दैट आई हैव टू डू समथिंग लाइक इट, बट ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मैन इन हिज ओन टर्म्स, बट एजुकेशनल वाइज ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। मेरे पापा का जब रिजल्ट आया तो मेरे पापा को मुझे बताना पड़ा था कि पापा इतना आया, ही वॉज लाइक अच्छा इतने मार्क्स आ गए, पापा ये मार्क्स नहीं परसेंटाइल है, देन आई हैड टू एक्सप्लेन हिम के परसेंटाइल क्या होता है, ये मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ अच्छा है या बुरा है, सो माई फैमिली यू नो दे डू नॉट नो मच अबाउट इट, दे आर वेल ऑफ ऑन देयर ओन टर्म्स, बट एज यू कमिंग टू दिस हायर एजुकेशन आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू परसू मास्टर्स नाउ इन माई इंटायर फैमिली, काफ़ी बड़ी फैमिली है मेरी, 100 लोगों की फैमिली है, तो ये एक चैलेंज था कि खुद से अपना रास्ता आगे देखना है। मैं तो काफ़ी टाइम पे डाउन भी रहता था, इंद्रजीत सर को मैं मैसेज करता था सर यार क्या करूँ, कभी 30 आते हैं कभी 65 आते हैं, व्हाट शुड आई डू, तो बोला करते थे तू प्रैक्टिस करते रह, जो होगा लास्ट में हो जाएगा, अभी प्रैक्टिस करते रह, डोंट गिव अप, एंड आई लिटरली मैसेज हिम ट्वाइस और थ्राइस, मेरे को लगता था यार ये रिटायर तो नहीं हो जाएंगे, एक बार उन्होंने बोला मेरे 35 दो बार, मैंने बोला सर क्या करूँ, उन्होंने बोला सेक्शनल से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया, फिर एक बार डाउन हुआ, फिर आई मैसेज हिम सर अब मैं क्या करूँ, इंग्लिश तो सही हो गया, DILR में खराब जा रही है, देन बट ही वॉज ऑलवेज बाई माई साइड, ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, नाउ आई फील दैट आई कुड हैव स्कोर्ड मोर, आई गॉट 98.7 इन VRC, 98.6 इन DILR एंड 98.5 इन क्वांट, ओवरऑल आई गॉट 99.48, बट नाउ आई फील दैट विथ स्लाइट मोर पुश आई कुड हैव इजली स्कोर्ड अराउंड 99.9 और मे बी 100% आइलर, यू नो देयर इज नो लिमिट फॉर एस्पिरेशंस, बट टाइम लॉस हुआ, कुछ रीजन्स रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, इन द एंड लेट अस वी शुड ऑल एक्सेप्ट आवर फेट। राइट, आप हर समय तो पढ़ाई नहीं करते होगे, है ना, कुछ तो करते होगे अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, सो व्हेन यू वर नॉट स्टडिंग व्हाट वर यू डूइंग? व्हेन आई वाज नॉट स्टडिंग आई वाज इधर ड्रिंकिंग और आई वाज वॉचिंग मूवी। सी बहुत सारे लोग दे जॉइन कोचिंग्स, आई मीन ऑफलाइन कोचिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर वो अपना लाइफ खो देते हैं, सोशल लाइफ खो देते हैं, कम ऑन गाइज आर नॉट गोइंग टू गेट यंग अगेन, सो वाई डू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फन पार्ट। मैंने क्लासेस भी करी थी, मैंने पार्टी भी करी थी, एंड बिलीव मी लास्ट 3-4 मंथ्स मैंने जितनी पार्टी करी है कभी नहीं करी थी लाइफ में, एवरी मंथ 4 or 5 times वी यूज्ड टू ड्रिंक और बहुत पार्टी करते थे, व्हेन वी पार्टी वी ड्रिंक लाइक हेल, जब तक आउट नहीं हो जाओ पियो, पार्टी का मतलब वो, और पढ़ना है तो फिर पढ़ो, 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है पढ़ो, बट यू डू दैट राइट। इसमें आपका अपना शेड्यूल होता है, व्हेन यू ज्वाइन आईकॉन्टा उसमें आपका अपना शेड्यूल है, आप अपने अनुसार अपने क्लासेस लगा सकते हो, नहीं क्लासेस उस टाइम हो जाए आपको डाउट है आप इंद्रजीत सर को मैसेज कर दो ना वो बता देंगे। फाइनली अपने थोड़े वर्ड्स ऑफ विजडम दे दीजिए कैट 2020 एस्पिरेंट्स के लिए, व्हाट शुड दे बी डूइंग राइट नाउ? सी आई विल टेल जस्ट 3 things, फर्स्ट यू नीड टू ड्रीम बिग, सेकेंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट नो मैटर वॉट, बाई कंसिस्टेंट आई मीन दारू तो पी सकते हो बट पढ़ो, 7 days में जो सिलेबस कवर करना है करो, अगर किसी कारण कुछ लॉस हुआ है तो मेक इट अप फॉर इट। थर्ड थिंग, मैनी पीपल यू नो व्हेन माय स्कोर्स वेर पोस्टेड इन ग्रुप, मैनी गाइज केम टू मी कैसे किया, कौन से बुक्स पढ़े, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ा था, सिर्फ क्लासेज ही करे थे। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड गो विद द पेस, जितना कंफर्टेबल है वो उतना ही करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो, और तुम्हारे कैट्स क्या है इट डजंट रियली मैटर, पहले कैट में स्कोर करो एंड आफ्टर दैट थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच, लेकिन जाने से पहले वी हैव अ क्विक रैपिड फायर राउंड फॉर यू, है ना, थोड़े सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आप उसके आंसर्स बताना। आई होप मैं बता दूं क्योंकि बहुत शार्प नहीं हूं मैं। इफ यू हैड टू स्पेंड 1 day विद एनी पॉलिटिशियन, हु वुड इट बी एंड व्हाई? मोदी जी। एंड व्हाई? बिकॉज़ ही हैज अ लॉट ऑफ पावर।
ओके, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है आजकल? ओह माय गॉड, दैट इज अ टफ क्वेश्चन, नोबडी. अरे माय गर्लफ्रेंड इज बेस्ट. ओके, योर ड्रीम एमबीए कॉलेज? एवरीबॉडी इज आईएमए. ओके, वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? मे बी माय स्मोकिंग हैबिट्स. ओके, इफ यू कुड बी इनविजिबल फॉर वन डे, व्हाट वुड यू डू? I would go around all the places in the world. And what's your favorite movie? Gangs of Wasseypur. Great. Thank you so much. And before you go, we have a token of appreciation for you. Here you go. Thank you so much. Thank you, friend. Thank you.